So, let's study sexual reproduction in flowering plants post-fertilization events. We have discussed in the earlier videos double fertilization. So, after that, the events which take place, let's discuss. Post-fertilization, the embryo development takes place. What happens to the zygote? The zygote is single cell. This zygote will divide. ये अब डिवाइड करेगा और प्रोड्यूस करेगा एम्ब्रियो. सो जायगोट डिवाइड्स इनटू वन सेल ऑफ द जायगोट डिवाइड्स इनटू टू द अपर एंड द बेसल सेल. द बेसल सेल, दिस इज द बेसल सेल. दिस बेसल सेल इज गोइंग टू प्रोड्यूस अ सस्पेंसर. इट विल प्रोड्यूस अ सस्पेंसर, यू नो, क्योंकि जो ओव्यूल हमने पढ़ा था, ओव्यूल के अंदर जो टिश्यू है, न्यूट्रिटिव टिश्यू है, वो अंदर है यहाँ पे, और एंडोस्पर्म बनने वाला है. क्लियर? सो जो एंडोस्पर्म यहाँ बनेगा, उसको, ये जो एम्ब्रियो यहाँ पे बनेगा, उस एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन चाहिए इससे. तो ये हॉस्टोरियम जो सेल, बेसल सेल, जो सस्पेंसर या हॉस्टोरियम बनाएगा, वो इसको अंदर पुश करेगा. क्लियर? तो यहाँ पे एक सस्पेंसर बन जाएगा. उसका जो नीचे वाला सेल है, विच इज कॉल्ड दी होस्टोरियम, वो थोड़ा बड़ा सेल है. बाकी के सेल्स, ये डिवाइड, ये वाला सेल जो है, वो डिवाइड कर करके इस तरह का एक लंबा सा सस्पेंसर बना देगा, और ऊपर की तरफ एम्ब्रियो बनेगा फ्रॉम दिस सेल, द टर्मिनल सेल. दिस इज कॉल्ड दी टर्मिनल सेल. सो इस टर्मिनल सेल से एम्ब्रियो बनेगा. ये भी डिवाइड करेगा इनटू टू, इनटू फोर, एंड देन इनटू एट, लाइक दिस. सो ये इस तरीके से डिफरेंट स्टेजेस से पास होता जाएगा. सो एम्ब्रियो जो है वो उसके जो स्टेजेस पास होंगी, ये है, दिस इज दी ग्लोबुलर स्टेज. ये गोल सा है, इट इज द कॉल्ड दी ग्लोबुलर स्टेज. उसके बाद ये एक हार्ट शेप ले लेगा. सो दिस इज कॉल्ड दी हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो. ये है हार्ट की शेप ले ली है इसने. और बाद में ये जब मेच्योर एम्ब्रियो है, तो वो मेच्योर एम्ब्रियो इस तरीके से ये दो कॉटिलेडंस वो दिखाएगा. मेच्योर एम्ब्रियो, लेट्स सी द नेक्स्ट डायग्राम, विल हैव टू कॉटिलेडंस लाइक दिस. एंड दी दी सेल्स टूवर्ड्स दी हॉस्टोरियम और दी बेसल सेल्स, दे विल प्रोड्यूस द रेडिकल पोर्शन, एंड हियर यू विल सी द प्लूम्यूल पोर्शन. ये वाला पोर्शन जो है वो प्लूम्यूल, यानी स्टेम, फ्यूचर स्टेम. ये कॉटलेडेंस है, दीज आर कॉटलेडेंस. दिस इज कॉटलेडन. सो ये दो कॉटलेडन्स बन गए, ये प्लूम्यूल बन गया. दिस 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 इज द, हेयर यू कैन सी द रूट कैप, द रूट कैप. दिस रूट कैप विल प्रोटेक्ट द रेडिकल. रेडिकल ये जो फ्यूचर में रूट बनने वाला है, उस पोर्शन को कहते हैं रेडिकल. इज प्रोटेक्टेड बाय अ रूट कैप. दिस इज शोन इन योर बुक. सो दिस विल बी दी एम्ब्रियो इनसाइड द सीड. दिस विल बी दी फ्यूचर. बाय द टाइम जो है वो एंडोस्पर्म के अंदर पुश हो चुका है. यहाँ देखो, इस डायग्राम में तुम देखोगे ग्लोबुलर स्टेज भी दिख रहा है, और तुम्हारा हार्ट शेप भी दिख रहा है. ये जो ये वाला हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो दिख रहा है, ये ग्लोबुलर शेप दिख रहा है, और ये सारा जो है वो सस्पेंसर है. सस्पेंसर में हॉस्टोरियल सेल साफ दिख रहा है, और ये एम्ब्रियो, इसके अंदर न्यूट्रिटिव टिश्यू जो बना हुआ है, उसके अंदर ये पुश हो रहा है एम्ब्रियो. एंड देन दीज टू कॉटलेडन्स, दे आर बींग प्रोड्यूस्ड. ये कॉटलेडन्स एंड पूरा एम्ब्रियो और सस्पेंसर, बाय द टाइम उस हॉस्टोरियम का काम खत्म हो गया, सस्पेंसर का काम, तो बाय द टाइम वो खत्म हो रहा है, और पूरा पूरा एंडोस्पर्म जो है वो इस केस में
खत्म हो चुका है, एंडोस्पर्म हैज बीन यूज्ड अप, खा लिया है इसने अपनी डेवलपमेंट के लिए। तो कई सीड्स जो होते हैं वो नॉन एंडोस्पर्मिक होते हैं और कई में एंडोस्पर्म परसिस्ट करता है, एल्ब्यूमिनस एंड नॉन एल्ब्यूमिनस जो तुम्हारी बुक में लिखा हुआ है, एंडोस्पर्मिक और नॉन एंडोस्पर्मिक भी कह सकते हो, एल्ब्यूमिनस और नॉन एल्ब्यूमिनस भी कह सकते हो। सो ये था एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंटल स्टेजेस। नाउ पोस्ट एम्ब्रियोनिक क्या होगा, इससे पहले कि ये करें प्लीज सब्सक्राइब कर लो अगर आप नए हो चैनल पे, ताकि आपको सारी वीडियोस एक साथ एक बटन दबाने पर मिल जाएंगी। आपने अपना सब्सक्राइबर बटन दबाया और मेरे चैनल को एक क्लिक किया तो आपको सारी वीडियोस 29 वीडियोस एक ही साथ दिख जाएंगी। तो पूरा आपका सिलेबस जेनेटिक्स पोर्शन कवर कर दिया मैंने और ये फर्स्ट टू चैप्टर्स कवर कर दिए। तो लेट्स स्टडी। जो सीड है वो इसके अंदर बन गया। अब ये जो सीड है, यू कैन सी कि सीड एक अनिग्मा, एक अजूबा है। कुदरत ने इस सीड के अंदर एक मिनिएचर प्लांट रखा हुआ है, मिनिएचर प्लांट बना के रखा है इस सीड के अंदर, और उसके लिए खाना भी रखा है। ये कॉटलेडन्स जो है, जो प्लूम्यूल के ऊपर कॉटलेडन्स हैं, वो उसके लिए खाना है जब तक कि उसको रेडिकल या रूट्स जमीन में एस्टेब्लिश नहीं कर लेती, तब तक उसके लिए कुदरत ने खाना भी रख दिया है। ओके सो लेट्स स्टडी कि व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ दिस सीड। नाउ यू मस्ट हैव हर्ड इन लोअर क्लासेस ऑल्सो कि दो तरह के सीड्स होते हैं, डायकॉट और मोनोकॉट सीड। तो लेट्स स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ ए डायकॉट सीड। डायकॉट सीड में आज ही आप लोग अपने किचन में जाके देखिए, जो चने का दाना है या राजमा का दाना है उसको आप ओपन करके जरूर देखिए, और आपको दिखेगा कि उसके अंदर एक छोटा सा एम्ब्रियो है। अगर उसको अंकुरित कर लोगे या उसको जर्मिनेट कर लोगे तो यू विल सी कि उसके अंदर एक छोटा सा एम्ब्रियो है। सो दिस एम्ब्रियो इज गोइंग टू बी दी फ्यूचर प्लांट। वेयर एज हमने ओव्यूल का स्ट्रक्चर पढ़ा था, उसमें दो आपने इंटेग्यूमेंट्स पढ़ी थी, आउटर और इनर इंटेग्यूमेंट। तो जो आउटर इंटेग्यूमेंट है वो क्या बनने वाली है, टेस्टा। आउटर इंटेग्यूमेंट बनने वाली है टेस्टा सीड कोट, ये जो राजमा के दाने में आपको दिखेगी टेस्टा। और जो इसके अंदर होती है वो होती है टेगमेन। अगर आप चने का दाना देखो तो अंदर की तरफ से आपको थोड़ा व्हाइटिश दिखेगा उसका छिलका, और बाहर की तरफ से ब्राउन दिखेगा। तो जो ब्राउन वाला है वो टेस्टा है, और अंदर जो चिपका हुआ है वो टेगमेन है, और ये है कॉटलेडन है। ये दो कॉटलेडन्स इसमें दिख रहे हैं आपको, तो कॉटलेडन्स हो गए ये दो। क्लियर। अब ये एम्ब्रियो जो है, इसमें ये वाला पोर्शन इज कॉल्ड दी प्लूम्यूल, एंड जो नीचे वाला पोर्शन है इट इज कॉल्ड दी रेडिकल। रेडिकल फ्यूचर में जाके रूट बनेगा और प्लूम्यूल फ्यूचर में जाके स्टेम बनेगा। अब ये वाला पोर्शन जहाँ से ये कॉटलेडन्स इसके साथ अटैच हो गए हैं, इसके और प्लूम्यूल के बीच वाला पोर्शन इज कॉल्ड दी इपिकोटाइल। ओके और ये इस रेडिकल और इसके बीच का अटैचमेंट ऑफ कॉटलेडन्स के बीच का पोर्शन इज कॉल्ड दी हाइपोकोटाइल। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ डाइकॉट सीड। चने का, बीन्स का और पी, यू दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ डाइकॉट सीड। लेट स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ ए मोनोकॉट सीड। मोनोकॉट सीड, हियर यू कैन सी द स्ट्रक्चर ऑफ डाइकॉट सीड्स, द बीन सीड एंड ग्राम सीड्स। सो मोनोकॉट सीड हैज सिंगल कॉटलेडन। हियर यू कैन सी द मेज सीड। सो इन द मेज सीड
there is a single cotyledon which is called the scutellum. Here cotyledon is called the scutellum. And here you can see the endosperm is present. In endosperm is not used up for the development of the embryo. So such seeds are called albuminous seeds or endospermic seeds. And the seed coat you can see here. And here this is the seed and fruit wall. Okay. There is a proteinaceous layer which is called the alunol layer below the seed coat or the fruit wall. Okay. Now this is the embryonal axis. This embryonal axis mein the plumule portion, this plumule portion is protected by some leaves. ये तो आपको वन डायमेंशन में दिख रहा है, अगर आप 3D में इमेजिन करो, कुछ पत्तों ने इसको कवर किया, यंग लीव्स ने आपने कवर किया, ये उसका ट्रांसवर्स सेक्शन काट के अंदर से दिखाया गया, तो वो कटे हुए पत्ते ऐसे ही दिखेंगे ना. सो ये दिख रहा है तुम्हें, प्लूम्यूल पोर्शन इज प्रोटेक्टेड बाय सम लीव्स, यंग लीव्स विच आर विच इज विच शीड्स विच आर कॉल्ड दी कोलियोप्टाइल. एंड सिमिलरली द रेडिकल पोर्शन इज प्रोटेक्टेड बाय कोलियो रिजा. दीज आर लीफी शीड्स प्रोटेक्टिंग दी एम्ब्रियोनल एक्सिस. सो ये है स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकॉट सीड. बहुत बार एग्जाम में एग्जामिनर्स का फेवरेट है कि ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ मेज सीड. तो ये एग्जाम में आता है, इसकी तैयारी आपको ड्रॉ करके प्रैक्टिस करनी चाहिए. सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द सीड. नाउ दिस सीड, ये दिस इज द डायग्राम इन योर बुक. सो आई टू शो द एम्ब्रियोनल एक्सिस. I have downloaded this from the internet, so you can see the radical, root cap, and coleo rhiza. Radical in all the plants is protected by a cap, root cap, because zameen ke andar root ko jana hota hai aur जो मिट्टी है उसके अंदर उसको पेनिट्रेट करना है, तो फ्रिक्शन वगैरह से रूट को प्रोटेक्ट करने के लिए रूट इज प्रोटेक्टेड बाय अ कैप. उसके ऊपर एक कैप लगी होती है. ओके. अब ये सीड जो है इसके अंदर रिजर्व फूड कॉटलिडन्स बन गए हैं. और ये कैस्टर का सीड भी तुम्हारी बुक में डायग्राम दिखाया गया है. तो ये कैस्टर, कैस्टर अरंडी को कहते हैं, ये अरंडी का सीड है डायकॉट. तो इसके अंदर ये कॉटलिडन्स दिख रहे हैं आपको. अब ये जो सीड है वो जर्मिनेट करता है. तो ये देखिए इसके, इसमें ये शुरू में भी ये पिक्चर देखी थी आपने, ये जो इसके वो हैं कॉटलिडन्स, दे आर कमिंग आउट. सो ये कॉटलिडन्स आर कमिंग आउट. और रेडिकल जो है पहले ग्रो करता है, वो जमीन में अपने आप को एस्टेब्लिश कर लेता है. ये देखिए यहाँ पहले रेडिकल कम्स आउट, तो रेडिकल इसके अंदर अपने आप को एस्टेब्लिश कर लेता है और उसके बाद प्लूम्यूल ऊपर आ जाता है. तो ये सीड जर्मिनेट कर रहा है. कुदरत ने ये जो फूड इसके अंदर रखा है सीड के लिए, वो इस सीड के लिए फूड रखा था, बट ह्यूमन बींग्स तो बड़े चलाक हैं, ह्यूमन बींग्स को पता लग गया कि खाना है इसमें, तो उन्होंने जो है इसको उगा के खाना शुरू कर दिया है. फ्रूट्स वगैरह जो है वो कुदरत ने अपने सीड को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाए. कल्टीवेशन में हम उसको कई गुना प्रोड्यूस कर लेते हैं और अपने लिए रख देते हैं. अब ये जो सीड है इसके अंदर जो फूड रखा हुआ है, इसलिए ये मॉइस्चर कंटेंट है इसमें. तो लेकिन सम ऑफ द सीड्स तुम अपने गोडाउन्स वगैरह में कई महीनों तक रख लेते हो, तो वो जो सीड है वो कई महीनों तक अपने गोडाउन्स में कैसे रह जाता है? उसके अंदर अगर 14-15% मॉइस्चर होगा तो वो ड्राई कंडीशन में रहेगा और वो जर्मिनेट नहीं करेगा. सो 14% मॉइस्चर में हम उसको सुखा लेते हैं. तुमने देखा होगा किसान जो है जब वो ड्राई होता है तभी उसकी हार्वेस्टिंग करते हैं. सो उसकी मॉइस्चर कंटेंट को ध्यान में रख के उसको स्टोर कर सकते हैं. सो व्हेन द सीड जर्मिनेट्स, व्हेन देयर इज मॉइस्चर इन द सॉइल, मॉइस्चर हम जब जमीन में उगाते हैं सीड को तो हम उसको पानी देते हैं, तो मॉइस्चर की वजह से वो उग जाता है. क्लियर? तो वो जो रिजर्व फूड है, जब तक कि वो अपने आप को सॉइल में एस्टेब्लिश नहीं कर लेता तब तक वो रिजर्व फूड उसका काम आता है. क्लियर? तो ये सीड, ये आपको डायग्राम जो दिख रहे हैं पिक्चर्स, ये हैं एक मोनोकॉट सीड की जर्मिनेशन की.
So you can see the apical, the coleoptile or the young leaves, they are coming out, and the radicle is going down and producing the roots. So this was all about embryo and seed formation. Now what happened to the we had already studied ke jo double fertilization hui thi usme double fertilization mein a एक तो जायगोट बन गया था, इसका एग्स के साथ फर्टिलाइज करके जायगोट बन गया था, और उसके बाद दो पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूजन करके एक मेल गैमेट ने एक ट्रिप्लॉयड एंडोस्पर्म बनाया था. एंडोस्पर्म या प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनाया था. ओके, नाउ व्हाट हैपेंस टू दिस प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, ये मल्टीप्लाई कर करके ये एक टिश्यू बनाएगा विच इज कॉल्ड द न्यूट्रिटिव टिश्यू एंडोस्पर्म. तो एंडोस्पर्म जो है वो भी अभी हमने बात की कि एम्ब्रियो के लिए खर्च हो जाता. सो कई ऐसे हैं, तीन तरह के एंडोस्पर्म हम पढ़ेंगे, द न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, the cellular endosperm and the helobial type of endosperm. So ये जो endosperm primary endosperm nucleus है ये divide करेगा, एक ये divide करेगा एक के दो, दो के चार. अब ये जो nucleus है अगर ये हर बार nuclear division is followed by साइटोप्लाज्मिक डिवीजन, ये साइटोप्लाज्म भी इसके साथ डिवाइड होता जा रहा है यानी सेल डिवाइड होता जा रहा है, तब तो उसको कहेंगे हम सेलुलर टाइप ऑफ एंडोस्पर्म. ओके, और अगर इसमें न्यूक्लियस की तो डिवीजन हो रही है बट साइटोप्लाज्म डिवाइड नहीं हो रहा, न्यूक्लियस डिवाइड एंड री डिवाइड टू प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियाई एंड साइटोप्लाज्मिक डिवीजन नहीं होती, या फर्स्ट फ्यू आर साइटोप्लाज्मिक डिवीजन होती है और उसके बाद न्यूक्लियर ही रह जाता है, तो इस तरह के एंडोस्पर्म को कहते हैं फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म. क्लियर. एंड देयर इज अ थर्ड टाइप ऑफ एंडोस्पर्म वेयर ये इंटरमीडिएट है दोनों के बीच में, और इसमें हेलोबियल एंडोस्पर्म में कुछ डिविजन्स तो साइटोप्लाज्मिक हैं और उसके बाद ये फ्री न्यूक्लियर हो जाता है. क्लियर. सो एग्जांपल भी दे रखा है यहाँ पे. सो दिस इज ऑल अबाउट द एंडोस्पर्म टिश्यू. सो आई होप यू अंडरस्टूड द होल लेसन. सो इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ फ्रूट, ट्रू एंड फॉल्स फ्रूट्स. Then apomixis, there is a topic in your book, and polyembryony. So thank you. Please subscribe and share video with your classmates, with your class 12 students. Thank you once again.